सर, मेरा नाम डॉक्टर इर्तिका रियाज है, मैं डेंटल सर्जन हूँ, BDS किया हुआ है मैंने। सर, हमारी ये डिमांड है कि 2008 से हमारी कोई PSC रिक्रूटमेंट नहीं हुई है। 13 ईयर से हम लोग रिक्रूटमेंट का वेट कर रहे हैं और PSC रिक्रूटमेंट एक भी पोस्ट, कोई एक पोस्ट नहीं है जो एडवर्टाइज हुआ है। मोर देन 7,000 डेंटल सर्जन आर ऑलरेडी अनएम्प्लॉयड एंड अबाउ 1,200 ओवर एज हो चुके हैं, उन्हें एक बार भी PSC फेस नहीं किया है। दैट इज इनजस्टिस उनके साथ, हमारे साथ। हम लोग इस टाइम डिग्री करके हम लोग अपने पेरेंट्स पे डिपेंडेंट है एंड दैट इज़ नॉट राइट। हम लोग इतना पढ़ते हैं, इतनी स्टडीज़ करते हैं, फिर भी इतनी मेहनत करने के बाद भी अगर हम लोगों को गवर्नमेंट एक जॉब नहीं दे सकती है, देन वाई BDS करना ही क्यों है फिर? दे कैन ईजिली कॉलेज बंद कर सकते हैं, और बच्चे एडमिशन्स ले रहे हैं, अभी नीट होने वाला है, और बच्चे एडमिशन लेंगे, उनके फ्यूचर के साथ भी वो खेल रहे हैं। हमारे फ्यूचर के साथ तो खेल लिया, उनके फ्यूचर के साथ क्यों खेलना है? आपकी डिमांड्स क्या रहेंगी? हमारी डिमांड्स यही है कि PSC रिक्रूटमेंट हो, हमें जॉब्स मिले, PSC रिक्रूटमेंट हो। हमारी फाइल ऑलरेडी बनी हुई है, बट वो ये बोल रहे हैं कि फाइनेंस के हिसाब से फाइनेंशियल ये नहीं है, बजट नहीं है, उस हिसाब से ये नहीं रिक्रूटमेंट हो रही है। लेकिन अगर वो डेंटल कॉलेज पे पैसा लगा सकते, इतना पैसा लगाते हैं डेंटल कॉलेज पे, मुझे नहीं लगता कि डेंटल कॉलेज पे पैसा लगाने की ज़रूरत है अगर आप आगे रिक्रूटमेंट नहीं कर रहे हो। दैट इज़ अ वेस्टेज, वो कोई फ़ायदा नहीं है। तो हमारी सिर्फ यही डिमांड है कि हमें PSC रिक्रूटमेंट स्टार्ट हो जाए। हम लोग अनएम्प्लॉयड है, हमें वो लोग बात कर रहे हैं कि हम लोग फाइनेंशियल असिस्टेंस देंगे, लोन देंगे, बट हम लोग बहुत सारे ऐसे हैं जिनने लोन पे ही ऑलरेडी डिग्रीज की होती है। अगर उनको ऑलरेडी उस लोन का बर्डन है, एजुकेशन लोन का बर्डन है, वो और बर्डन नहीं सह सकते हैं इस फाइनेंशियल असिस्टेंस का। फाइनेंशियल असिस्टेंस देखिए, कोई एश्योरेंस नहीं है, क्लिनिक में 15 लाख का खर्चा आएगा, कोई एश्योरेंस नहीं, ऑलरेडी इतनी सैचुरेशन है, कोई एश्योरेंस नहीं है कि हमें पेशेंट्स आएंगे, पेशेंट फ्लो होगा ड्यू टू कोविड एंड ड्यू टू ऑलरेडी जो सर्कमस्टांसेस यहाँ रहते हैं। हमारी LG सर से यही डिमांड है कि हम लोग ऑलरेडी इतने टाइम से प्रोटेस्ट पे है, हमारा इंडेफिनिट स्ट्राइक 21st चल रही है, जम्मू में भी हमारी स्ट्राइक चल रही है, प्लीज़ हमारी बात सुनी जाए, हमारी रिक्रूटमेंट स्टार्ट की जाए, जो पोस्ट है, जो हमारा हक है, वो हमें दिया जाए। हमारी बस यही डिमांड रही। मेरा नाम डॉक्टर गुरदेव सिंह बाली है, मैं BDS MDS हूँ, ठीक है ना। प्रोटेस्ट के बारे में तो आप सब लोग जानते ही होंगे, वी आर नॉट हेयर टू प्रोटेस्ट, हम सीधा अपना राइट मांग रहे हैं, जो कि हर इंडिविजुअल का हक है, एक सिटीजन होने का, इंडियन होने का या कश्मीरी होने का, जो भी हमें हक है वो मिलना चाहिए। कोई भी ऐसा काम, कोई पढ़ाई ऐसी करता नहीं है कि जिसमें जॉब ना हो, ठीक है ना। और हमारे ऐसे डेंटल सर्जन हैं जो दुबई जाते हैं, जो कनाडा जा रहे हैं, इंग्लैंड जा रहे हैं, हम क्यों यहाँ से जाएं? जब हमारा हक है कि हमारा जॉब, अगर हम 15 साल निकाल के, पहले BDS होता है 5 साल का, कहीं 6 साल लग जाते हैं उसमें, ठीक है। उसके बाद 3 साल होता है हमारी पढ़ाई करने में, 2 साल लग जाते हैं MDS निकालने में, ठीक है। उसके बाद हम MDS में सिलेक्शन लेते हैं, जिसमें और 3 साल लगते हैं, तो इवेंचुअली 12-13 साल हम पढ़ाई करते हैं। उसके बाद क्या होता है, जॉब नहीं है, ठीक है ना। आप BDS देखिए, कोई कोई 25 साल का है, कोई 30 साल का है, कोई 40 साल का है BDS स्टूडेंट्स, ठीक है ना। एक डेंटल कॉलेज है और एक नहीं है, जम्मू में 2 हैं, ठीक है ना। एक डेंटल कॉलेज के पे कितना खर्चा आता होगा आपको लगता है? 5-5 लाख प्रिंसिपल लेता होगा, 2 लाख एक लेक्चरर लेता है, 1.5 लाख, यानी कि आप एक महीने में कम से कम उस कॉलेज पे जो गवर्नमेंट है, कम से कम, आई एम नॉट दैट फाइनेंशियल एक्सपर्ट, लेकिन करोड़ों में खर्चा होता होगा। आपका कहना है कि गवर्नमेंट बच्चों को पढ़ाने में, प्रोडक्ट बनाने में, लेकिन जब कल प्रोडक्ट वो बिकी नहीं पा रहा है, तो व्हाट इज द फन ऑफ ओपनिंग डेंटल कॉलेज? तो ऐसी क्या वजह है? अब देखो, ऐसा तो मुमकिन नहीं है कि हम 7,000 डेंटल सर्जन यहाँ लेके आए, ठीक है ना। जितना हो सकता है लोग घरों से आ जाते हैं, कोई बड़गाम रहता है, कोई चाडोरू रहता है, कोई बारामूला रहता है, जितना है सब यही है। और यहाँ पे कोविड प्रोटोकॉल भी फॉलो करना है, नहीं तो वी आर इन ह्यूज मास अगर हम जमा हो जाएं, ठीक है ना। PSC निकले नहीं है, 12 साल से PSC निकले है। जब एक नॉर्मल यहाँ पे गवर्नमेंट एम्प्लॉय जो भी हो फ्रॉम एनी डिपार्टमेंट, उनके लिए निकलता है, तो एक डेंटल सर्जन के लिए क्यों नहीं निकलता है? PSC नथिंग लेस देन दैट। सर, आप कह रहे हैं कि हम के लिए, हक के लिए, हम, मेरा यही कहना है कि गवर्नमेंट को चाहिए अपनी आंखें खोलो, कान भी खोलो, और थोड़ा दिमाग से सोचो व्हाई वी आर ऑन हेयर ऑन रोड्स, ठीक है ना। एक पढ़े लिखे हम नौजवान हैं, उनके लिए जॉब्स नहीं है, हमें प्राइवेट क्लिनिक सब आदमी खोल नहीं सकते हैं ना, उसमें भी 15 लाख लग जाते हैं खोलने में, ठीक है ना। एक लड़की अगर एक शादी करके किसी घर में जाती है, एज ए वाइफ जाती है, उसको तो डिपेंडेंट अपने पति पे होना है ना। जब उसके पास जॉब ही नहीं है, क्या पहले वो 15 लाख अपने पति से लेगी लोन क्लिनिक खोलने के लिए? टोटल कितने हो? टोटल 7,000 अनएम्प्लॉयड डेंटल सर्जन। तो डिप्रेशन मतलब हर बच्चे में है यहाँ पे, मैक्सिमम जो मेजोरिटी डेंटल कॉलेज से आते हैं ना, इतनी मेहनत करके, अगर 100 में से, मैं आपको बता रहा हूँ, 60% डिप्रेशन में,
ठीक है ना, साइकोलॉजिकल इम्बेलेंस हो ही जाता है। दूसरी बात यह कि रोड पे कोई काम धंधा है नहीं, घर पे बैठे हैं। दूसरा वी आर बीइंग यू नो काम काम एक्सप्लॉयटेशन हो रही है हमारी, सो वी जस्ट वांट कि पीएससी क्रिएट किए जाएं एज सून एज पॉसिबल, और ये चलता रहेगा। अगर इनको अपनी थोड़ी इज्जत है और हमारी भी इज्जत है, दे शुड थिंक अबाउट इट।